वाटर ट्रांजिशन। और अच्छी जगह मैं जा रहा हूँ जहाँ पे वाटर बहुत पता है, बहुत ही मजा आया। अलग का फिर नहीं, अलग का फिर नहीं। दाल फ्राई, तीन सूखी रोटी, तंदूरी रोटी और ब्लैक कॉफी। गुड मॉर्निंग, 5:15 AM इन द मॉर्निंग, 25th of December and I am off to Amritsar. Just got ready. Good luck. Ride safe. I am waiting for you. This is Grand Trunk Road, a GT road. इसको पकड़ के मेरे को पूरा जाना है अमृतसर। अपना डीओ लेके। আচ্ছা তো আছে আছে এটা আগে দেখো, গাড়িটা দেখো, যে গাড়িটাতে অলিম্পিয়া করেছে সেটাতে পাকিস্তানে কি করতে যাচ্ছে আমি জানি না, কিন্তু সেটা সেই লোকটাই পাকিস্তানে আছে কিছু একটা। এই গাড়িটা নিয়ে আমি অল ইন্ডিয়া করেছি, রাইট? শুধু নাম্বার প্লেটটা অন্য। হ্যাঁ, খুব ভিড়টা অন্য। অন মাই ওয়ে টু অমৃতসর। ওয়াটার ট্রানজিশন। কোথায় গেল? ও গেল এখন দিল্লি। इट्स अराउंड 7:30 AM इन द मॉर्निंग एंड कुछ काम है, काम बाकी था। ये पेट्रोल तो मैं फुल करा लिया, ये डालना बाकी था। ये है कार्बन क्लीनर, मतलब अब क्या पेट्रोल ले रहे हो वो तो आप नहीं जानते, मतलब कितना प्योरिटी है उसका, क्योंकि हाईवे में ऐसा ही होता है। तो अगर मैं ये डाल दूँ तो स्पार्क प्लग के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कुछ दिल में डालने दूँ उसको। सोच हो के मैं दूसरा खुलाया, आँख ही नहीं खुल रहा है मेरा। तो सोच हो के मतलब चला के, मैं तो ऐसा ही हूँ, सोच हो के मैं चलाता हूँ। जी पड़ा टोल, मैं सोचा था टोल मैं स्टॉप करूँगा, अभी नेक्स्ट होगा मेरा आसनसोल के बाद। हाँ, धनबाद एंटर करते पहले। After this I'll cross to Jharkhand. ये बंगाल झारखंड का बॉर्डर, अभी बॉर्डर से ज़्यादा है। मैं बहुत अच्छी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत ही मज़ा आएगा। मैं पहुँच गया मैं धनबाद, अभी हो रहा है अराउंड 11:30, 5 घंटा लगा। ठीक है, सोच हो के मैं आया ड्रेस ले लेके। ये जगह याद आ रहा है कुछ? ये देखो तो नहीं, सेटल सोर के टाइम में जब मैं बक्सर किया था, वो ब्लॉग निकाल के देखो एक बार, वहाँ पर मैं और रणधीर था, वो यहाँ पे वो रेड बुल मैं पिया था। वही कहीं भी जाता हूँ दुकान वुकान जहाँ पे मैं रुकता हूँ मार्क कर लेता हूँ। चलो रेड बुल पी के निकलते हैं। बरही क्रॉस करके, बरही टोल प्लाजा भी क्रॉस करके खड़ा हूँ कुछ देर तक, क्योंकि ऑलमोस्ट कंटिन्यू मैं आ रहा था और ठंडे में सही में मैं चला ही नहीं पाता हूँ। मैं ऋतिक ने बहुत हेल्प किया आज मुझे पहला क्लब दे के अपना, नहीं तो मेरा क्या होता मुझे नहीं पता। तो ऑन माई वे इट्स अराउंड 1:30 चलते हैं, 4-5 बजे के अंदर वाराणसी क्रॉस करने का प्लान है। देखते हैं ये रोड ऐसा रहेगा तो नहीं क्रॉस कर पाऊँगा। मैं फिर से पहुंच गया सौ वाला टोल प्लाजा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड बुल में पीऊँगा, देन आई विल लीव।
So, stay connected. Sasaram. अभी यहाँ से है वाराणसी अराउंड 110 किलोमीटर शायद, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आज कंटिन्यू करूँ क्योंकि दिल्ली फिर अमृतसर बहुत दूर पड़ जाएगा. सो आई विल ट्राई टू कंटिन्यू, बट लेट मी चेक कि लोग बोलते हैं कि दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे में और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में रात को बाइक नहीं चढ़ने देता. तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, एंड इफ आई ट्राई कंटिन्यूसली देन शायद टुमारो अर्ली मॉर्निंग आई विल रीच इटावा. दैट टाइम आई कैन पुल. So let's see, let's hope for the best. बिहार क्रॉस करके मैं यूपी घुस गया. ये जो टोल प्लाजा है ना आपने, ये टोल प्लाजा क्रॉस करते ही आई विल एंटर यूपी. ये देखो ट्रेन का है ये भारतीय रेल. मत जा मत जा मत जा. टोल प्लाजा क्रॉस करके यूपी आ गया. इसका नाम है मोहनिया टोल प्लाजा. ये कारपेट के लिए फेमस है. लास्ट टाइम मैं रुका था वो दुकान पे और कुछ लड़के लोग आए थे. लास्ट टाइम मतलब जो मेरा फेल्ड राइड है गोल्डन पडल, मैं तो प्लान कर रहा था ऑन स्कूटर, वो फेल्ड हो गया. ये अभी है 8th, ये दुकान में मैं एक पानी लिया और एक चाय बोला. भैया आपका नाम क्या है? विनोद कुमार. ओके. अच्छा ये जगह किस चीज़ के लिए फेमस है? जगह कारपेट के नाम से फेमस है, भदोही डिस्ट्रिक्ट. अच्छा 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 ठीक है ठीक है, जल्दी से बनाइए चाय. हाँ थैंक यू. ओ भाई क्या बात है. बेस्ट भाई जो है वो क्या बोलते हैं ये जो कल्चर आज कलकत्ता बोल रहा है ना. अरे रास्ते में बहुत सारे राइडर मिले यार, हम भी कलकत्ता से आ रहे हैं. हाँ बट हम हैं इलाहाबाद के. अच्छा इलाहाबाद के. ओके ओके ओके. यार अंदर मत जाइए, अंदर नहीं जाना. हाँ टू लाइक बाइक पर जाइए. हाँ बाइक पर जाइए. आपका नाम? मेरा नाम अक्षत है. अक्षत कुमार. अक्षत कुमार. अच्छा मेरा यूट्यूब चैनल है द राइडर्स सर्जन, सो माय कैमरा इज ऑन. ओह यू विल कम. राइडर सर्जन द राइडर. खाना मिलेगा? और रूम मिलेगा? रूम नहीं मिलेगा, ऊपर तो रूम नहीं है. ठीक है ठीक है. इसमें मैं एक रूम ले लिया. अभी हो रहा है 11:30 और खाना खा के ऑलमोस्ट डन. फास्टिंग वास्टिंग अभी नहीं करूँगा मैं क्योंकि शरीर तो देगा नहीं उतना. और आई हैव गॉट अ 3rd class room इन ₹800. बात करने का कोई तरीका भी नहीं है. नीचे मेरे को अपना वो लाइसेंस मांग मांग के तो लेना पड़ा क्योंकि फॉर आइडेंटिटी आई हैव गिवन इट टू देम. 800 रुपये लिए और ये है रूम. मैं इसमें सोऊंगा ही नहीं. अपना वो बैग है स्लीपिंग बैग है वो बिछा के मैं सोऊंगा. उससे पहले मैं दिखा देता हूँ मैं कहाँ सो रहा हूँ. बेड के ऊपर, लेकिन इसके अंदर मैं सोऊंगा. आई होप ये ब्लैंकेट का काम भी करेगा. ये 5 degree का है सो इतना मज़ा आएगा ना. अभी ये मुझे गिफ्ट किया था प्रियंका ने. आई थिंक आई नॉट सीन दैट ब्लॉग. आई वेंट टू बरेली फॉर आर ऑपरेशन, तो उस टाइम प्रियंका मुझे ये गिफ्ट की थी. सो थैंक यू प्रियंका फॉर दैट. मैं ये हमेशा इसको तो कैरी करता हूँ लेकिन आज ही मैं खोला इसको सही. अराउंड 8 o'clock इन द मॉर्निंग और ये बाहर का नज़ारा है. अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है. मैं जाके मैं चेन साफ करके आया और ये हाथ देखो चेन साफ करने का. ये मैं धो लूँगा अभी एंड क्या करूँ इसमें निकलना होगा. तो कंडीशन ये है अभी.
36 आई वॉज एट दिस होटल राजधानी होटल घंटा राजधानी इतना फालतू था ना। चलो ठीक है रात करिए रात गुजारने के लिए ठीक है तो मुझे फाइव स्टार में रहना। तो ये है प्रयागराज बाईपास। अगर किसी को रूम लेना है भाई प्रयागराज बाईपास से पहले लो या बाद में लो, यहाँ पे कोई रूम वगैरह ढंग का रूम तो अवेलेबल है नहीं। आगे क्या है पीछे क्या है कुछ दिखेगा नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन हम फिर भी चलेंगे क्योंकि हम राइडर हैं भाई। ओ क्या नजारा है वाह, गाइस ये सिक्किम नहीं है और दार्जिलिंग भी नहीं है, लद्दाख भी नहीं है, ये है यूपी। और देखो मेरा ड्रेस, ये है मेरा बाइक। सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है पता है, टाइम कितना हो रहा है पता है, टाइम हो रहा है अराउंड 11 o'clock। मैं सुबह 8:30 को मैं निकला और चलाया जा रहा हूँ, देख ही नहीं पा रहा हूँ कुछ। दो तीन बार मैं 120-110 किया था बस, उस फिर तो 60-70। ये कंडीशन है, ये एक टोल प्लाजा है, कुछ नहीं दिख रहा है। जस्ट टोल प्लाजा के साइड में मैं खड़ा हूँ, दोनों पैर का हालत बहुत ही टाइट है। जितना जल्दी मैं दिल्ली पहुँच पाऊँगा उतना जल्दी अमृतसर भी पहुँच पाऊँगा। लेट्स सी तो कितने बज रहा है पता है, 2:15। तो अभी मैं इटावा के बाद जहाँ से मैं अपना राइड किया था, ये पैर ऐसे करके मार रहा है। टुवर्ड लखनऊ आगरा मिनट 50 किलोमीटर, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों जाऊँगा। ले आगरा मैं यहाँ पे मैं स्कूटर लेकर जब फर्स्ट टाइम आया था ना, कितना खुश हो गया था उस दिन में वहीं पे। थैंक यू। ये क्यों हुआ बोले तो, बैटरी खराब है मेरा गाड़ी का, तो लेना है लेकिन चार्ज होने वाला है, चार्ज तो हो जाएगा शायद। रात को जो यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि गाड़ी अलाउ नहीं करते, बाइक अलाउ नहीं करते, मैं एक बार मैं पूछ लेता हूँ ताकि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। एक तो अलग का सरेनी, अलग का सरेनी दादा अच्छे तो खुलगा देगा दादी तो। ओके एक बंद कर। कोनो की प्रोग्राम में जाच्छो अमी কোনো কি প্রোগ্রামে যাচ্ছ না কিছু করো? না 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 আমি নিজে ঘুরি। ওকে ওকে আচ্ছা। আমি মাঝে বছরে একটা তো ঘুরি। ওকে ওকে। আমি স্কুটার নিয়ে একবার অল ইন্ডিয়া ঘুরেছিলাম। বাহ। তো ওইটার জন্য আমাকে ওই ইন্টারন্যাশনাল বুক অফ রেকর্ডস থেকে একটা এ দিচ্ছে, একটা প্রাইস দিচ্ছে। বাহ। ওইটা নিতে যাচ্ছি তো রাইড করে যাচ্ছি। ভেরি গুড। আরে সুপার। এই তো। ও বাহ স্কুটার নিয়ে ঘুরেছো চারদিকে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার আটছি এটাই। হ্যাঁ এটা তো ভালো, বেশ ভালো। আমার তো আমি একজন মোটরসাইকেলওয়ালাকে আস্তে আস্তে যাচ্ছিলাম, তারপর দেখলাম যে একটা পেলাম, তখন তো আমি ডাব্লিউপি নাম্বার দেখিনি, তখন বললাম যে বাহ এটা যাওয়া যাক আগে। 13,000 কিলোমিটার তো সে করেছিলাম একবারে এক মাসে। ভেরি গুড। পুরো ঘুরেছিলে? পুরো মানে শুধু কাশ্মীর ঘুরতে পারি, তখন 19 করেছিলাম এটা। হ্যাঁ এটা 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 তোমার ইয়ে কি ছিল, কি স্কুটার ছিল? হন্ডা ডিও। হন্ডা ডিও। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কিরকম কত সিসি? 110।
have just crossed 50,000 kilometers. You want to see? Okay. मेरे लाइफ में कुछ तो है नहीं गाड़ियों के बिना, तो आज सबसे अच्छा दिन लग रहा है मेरे को, क्योंकि माई R3 has crossed. You know how much? Can you just see? Yes, it is 50,000 kilometers and that too the Mecca of all riders. That's Yamuna Expressway. Dio का 1 lakh मैं complete किया था on the way to Sandakpu और इसका 1 lakh complete हो रहा है on the way to Amritsar. फिर से फॉग होना चालू हो गया और मैं इसलिए रुका क्योंकि यहाँ पे क्या है पता है, ये देखो, वेलकम टू बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट द नॉर्थ जोन एंड द वेस्ट जोन. मोटर रेस ट्रैक में मैं गया था, मैं अपना रेसिंग कोर्स में वहीं पे मैं कंप्लीट किया. मेरा एक ड्रीम भी है यहाँ पे आने का एंड डैट टू आई विल कम्प्लीट वेरी अर्ली वेरी सून. सो कुछ मैं खा लेता हूँ क्योंकि बहुत जोर का भूख लगा है, तो क्या करूँगा थोड़ा सा जो स्नैक्स है मेरे पास वही मैं खाऊँगा और शायद मैं सोनीपत में भूतल में आई विल स्टॉप फॉर द डे. लेट्स सी, क्योंकि इतना देखो कुछ नहीं दिख रहा है सामने, देखो इतना कोहरा होगा तो जा नहीं पाएंगे. ये है जिला नोएडा, इसके बाहर आ गए एक्सप्रेस ट्रेन. ये है एक्सप्रेस ट्रेन, ये है जिला नोएडा, नोएडा एक्सप्रेस ट्रेन. अरे यार कितना दूर है वे, कितना दूर है. ये है 44. इधर चेंज कर लेता हूँ, मूठल डाल देता हूँ. ठीक है मैम, लेट फोर स्टेट हो गया. आई एम गोइंग टू मूठल, सो दिस राइट आई विल टेक ऑल इन. Yeah. You have to take right from here. This right from here? Thank you. This is a nice one. Yeah, yeah. There is four. You have traffic. मैं अभी हूँ मूर्थल में. मैं रूम ले लिया और ये 1600 रुपये का था, वो बात कर करके 1200 रुपये में दिया. तो स्वीट हॉक्स का शर्ट मैं सुबह से मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को, तो यही पहना हुआ था और ये है मेरा पैंट. तो चलते हैं रूम में. पहुंच गया रूम और मैं बोल दिया चना मसाला और 4 रोटी. मैं इतना रुक क्यों रहा हूँ पता है, एक तो है मेन रीज़न है बहुत ठंड है, मैं ठंड में सहन नहीं कर सकता, और नेक्स्ट है कि ये मेरा लेजर ट्रिप है, कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड है नहीं. ये मेरा रात का खाना, चना मसाला, सूखी रोटी, तंदूरी रोटी. क्या गंदा दिख रहा हो, लक्स इन्फर्नो पहन के मैं बैठा हुआ हूँ. चलो खाते हैं. और दादा का बाइक भी आ गया, ये है हिमालयन. खावे तो अमर चलो चलो বলছে তো অনলাইন তো আছে তো খাবার দেবে. তুমি শুয়ে পড়বে তো? ও ঠিক আছে চলো শুয়ে পড়ো. কোনটা জানা হয়নি. অনির্বাণ দত্ত চৌধুরী. অনির্বাণ দত্ত, আচ্ছা এডিসি বলে এডিসি. এডিসি, আচ্ছা. আগে তোমার বাইক ছিল কিছু, অন্য কিছু বাইক ছিল নাকি এটাই ফার্স্ট? আমার ক্লাস 8 থেকে বুলেট আছে. ক্লাসিক, আচ্ছা. 1968 বাবা যেটা, আচ্ছা আচ্ছা. তারপর নিজে 2003 তে যখন এখানে আবার ফেরি আসি. হ্যাঁ হ্যাঁ. দেন নেক্সট দিস এটা তিনটে বুলেট, তোমার দুটো বুলেট একটা এটা. এই বাইকটা কিন্তু মানে বেস্ট বাইক অফ দ্য ইয়ার পেয়েছে এটা. मूर्थल सुबह आया था मैं गाड़ी का चेन साफ करने और निकलने में, और ये देखो हालत है बाहर का.
लोग 7 बजे 8 बजे कैसे निकलेगा, कुछ दिखेगा नहीं तो कहाँ से गाड़ी चलाएगा। ठंड भाई तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिखेगा ही नहीं, ये हालत है। ये पूरा हाईवे है, पूरा हाईवे में ऐसा रहेगा तो चलो मैं चेंज साफ नहीं करा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वन मोर डे एंड इन द मॉर्निंग ओनली आई हैव मेट दिस गाई, अ गाई विद द सुपर मेटियोर। ही केम अराउंड लास्ट नाइट व्हेन दादा वाज हैविंग फूड, आई स्लेप्ट। दिस इज हिज बाइक विद ऑल द पैनियर्स, इट लुक्स लाइक अ हार्ले डेविडसन। ये है अपना रॉयल एनफील्ड का जो नया निकला है ना हिमालयन, कल आपने तो देखे ही होंगे, ये है हिमालयन। तो वाओ, सिर्फ 8 दिन हुए इसको लेके। मेन चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है सुपर मेटियोर का ओनर। हाय यार। हाय। और ये है हिमालयन का ओनर, राइट। एंड दिस टू गाइस वर हैविंग अ रियली अ गुड चिट चैट जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉयल एनफील्ड कनेक्शन। सो ये है फॉग का हालत और मैं अभी निकल रहा हूँ। दादा तुम भी कटाई पड़ोगे, मुझे वीडियो अच्छा बनी ऑलमोस्ट। हां ऑल डन, 5-10 मिनट पर लेकिन होटल में जा चो। हां जा छी जा ओ मोबाइल दिख रहा है। दोस्त बनाना है तो इंडिया में बनाओ, बंगाल में कुछ कुछ नहीं रखा है इवेंट के सिवा। हाय हाय हेलो, एक्चुअली आई एम गोइंग टू चंडीगढ़। मैनेजर है तो मेरा कब कटेगा मुझे? ये सर 9 बजे का आसपास, 9 बजे के बाद ही पहले नहीं। अच्छा अच्छा, थैंक यू, आपसे मिलते हैं। ये है मुरथल ढाबा, 8:30 इन द मॉर्निंग। ये देखिए तीन बाइक, अच्छा सा एक पिक्चर लेंगे फिर निकल जाएंगे। रियली वेरी हैप्पी, दादा अभी नहीं निकलेंगे, सर के साथ मैं निकल जाऊंगा। ही विल गो टू चंडीगढ़। ओके, हैव अ सेफ जर्नी। Thank you. Right, I'm at traffic. Me, truck आके मार दी मेरे को। ये हो गया, असल में चप्पल को उतना शायद तो प्रेशर नहीं आया, लेकिन ये टूट गया, भैया निकल गया साइड से। अच्छा, और ये भी टूट गया, चलो कोई ना। मैं हूँ जहाँ पे मेरे को हरियाणा छोड़ना पड़ेगा और पंजाब तक घुसना पड़ेगा। देखो अभी लेफ्ट में जाओगे तो चंडीगढ़ मिलेगा और राइट में जाओगे तो लुधियाना मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं जाऊँगा स्टेट और ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, बोल के मैसेज करके मैं तो वीडियो कर रहा हूँ। एनीवेज जैसे ही काम करना स्टार्ट हो जाएगा आई विल मेक दैट वीडियो। ओके चलो, अमरूद ले रहा हूँ, ये लिया मैंने, अब इसको थोड़ा सा खाऊंगा फिर जाऊँगा। ये टोल प्लाजा मैंने क्रॉस किया, अभी ऑन द वे टू लुधियाना। मेरा एक्शन कैमरा अभी ऑन हो गया और मैं अभी हूँ लुधियाने से 45 किलोमीटर दूर और यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाने के लिए मैं थोड़ा सा रुका हूँ क्योंकि शायद मेरा तबीयत और ख़राब हो जा रहा है, पता नहीं। अगर यहाँ से वीडियो आ रहा है तो मैं इसलिए मैं यहाँ से किया, मैं बहुत ट्राई किया उसके बाद ये जाके ऑन हुआ। चलो कुछ खाना खाते हैं फिर निकलते हैं जल्दी। ये है दाल फ्राई, 3 सूखी रोटी, तंदूरी रोटी और ब्लैक कॉफ़ी। बहुत भूख लगी है, ऐसी की खा रही ऐसी तुम्हें तो पता है, ऐसी खा रही ऐसी रोटी दे नाल दाल दे नाल कॉफ़ी। राइडर सर्जन भाई आपका नाम क्या है? पंकज। पंकज, अच्छा ये कहाँ है? ये खन्ना सर। खन्ना, अच्छा अच्छा, यहाँ से 40 किलोमीटर है ना लुधियाना। अच्छा, तो मैं अपना खाना एंजॉय कर रहा हूँ बस, दैट्स इट। ये ढाबे पे मैं रुका था, बलदेव ढाबा। बहुत रिस्की है भाई यहाँ का रोड,
फिर भी पंजाब में थोड़ा सा ठीक है, हरियाणा में तो क्या बोले, मेरा गाड़ी टूट गई आज। तो अमृतसर है 178 178 के अंदर। मैं जा रहा हूँ आराम से एकदम भाई। और हालत देखो जैसे सुबह हो रहा है, मतलब आज का टाइमिंग था सिर्फ 3-4 घंटा राइडिंग का, 11:30 बजे कोहरा कट गया, उसके ऊपर 3:30 बजे से स्टार्ट, क्या बोलूँ। बाकी पहुँच गया थी अमृतसर, ये है अमृतसर। यहाँ पे ना कोई मतलब ट्रैफिक मतलब मानते नहीं। 4 साल पहले मैं यहाँ पे आया था ऑल इंडिया राइड पे, आज वही जगह आया खुश से वापस, उसी के सिलसिले में। होटल स्माइल इन यही है क्या? होटल स्माइल, स्माइल इन स्माइल थोड़ा आगे गली है, गली छोड़ के अगली गली छोड़ के अगली गली। अच्छा अच्छा ओके, थैंक यू सर। मैं पहले उठ पाया। अच्छा को फोन किया था। अच्छा पहली बार मैं देखूँ तो दिख कैसा रहा हूँ, पहली बार मैं इतना कुछ मतलब पहन के आया हूँ, मोटा लग रहा हूँ क्या? जस्ट स्टे कनेक्टेड फॉर टुमारोज ब्लॉग। बस उसी दिन रात को ही मैं निकल गया गोल्डन टेम्पल के लिए, श्री हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल बिल्ट बाय द 5th गुरु अर्जुन देव।